हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ दो तीन चीज़ें बताऊंगा। फ्रेंड्स, 31 मार्च आप लोगों का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग ये वीडियो जरूर देख लीजिए, 2 या 3 मिनट लूंगा फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए सबसे पहले ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन्होंने स्टडी मास्टर से तैयारी की है फ्रेंड्स, आप सबके लिए बेस्ट विशेज है। जिन्होंने नहीं स्टडी मास्टर से तैयारी की फ्रेंड्स, उनके लिए भी बेस्ट विशेज है कि अगर आप लोगों ने मेहनत की है तो आपको फल मिलना चाहिए। और फ्रेंड्स, अपना बेस्ट देख रहे हैं वहाँ पर, मतलब कि वो जो 4 आवर्स होंगे आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट 4 आवर्स होंगे, आप उसमें क्या करना है, अपना बेस्ट देना है। सब कुछ भूल के, किसी की कोई टेंशन है, कोई भी चीज़ की चिंता नहीं करनी वहाँ पर जाकर। सिर्फ 4 घंटे, 2 घंटे जो जनरल स्टडीज़ का एग्जाम है और 2 घंटे जो आपका सी सेट का एग्जाम है, सब भूल के अपना 100% एफर्ट्स वहाँ पर देने हैं। अभी हम बात करते हैं कि ठीक है, वहाँ पर आपको एक तो जो सबसे पहले सबका जो कॉमन डाउट है कि एडमिट कार्ड, सिर्फ आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड पे कोई अटेस्टेड फोटो नहीं लगवानी, कोई फोटो अलग से पेस्ट नहीं करनी है। अपनी एक ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना, साथ में आधार कार्ड ले जाइए, अपना लाइसेंस ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर अपना वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं। पैन कार्ड में भी एक्सेप्टेड नहीं है, आप लोग तीनों में से कोई एक लेके जाइए जो मैंने बताए हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों में से कोई एक ले जाइए ओरिजिनल, आपको जो है एंट्री मिल जाएगी। और वहाँ पर जो एग्जाम सेंटर्स में थोड़ा सा पहले पहुँचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाद में वहाँ पर थोड़ी सी मतलब कि परेशानी हो सकती है, कोई भी वहाँ पर चेकिंग के वक्त कुछ भी परेशानी हो सकती है। और फ्रेंड्स, लास्ट मोमेंट पे एक और बात चीज़ बता दूं आपको कि फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हरियाणा करंट अफेयर्स नहीं किए हैं अभी तक कहीं से, या फिर हरियाणा करंट अफेयर की क्विक रिवीजन चाहिए, तो एक 30 मिनट का वीडियो है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो जरूर देख लीजिए। उसके अंदर लास्ट एक साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर के इंपॉर्टेंट हरियाणा के करंट अफेयर कवर किए गए हैं। आपका लक अच्छा रहा तो 3 या 4 क्वेश्चन उसमें से आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रिसाइज बनाए गए हैं। और फ्रेंड्स, आप अपना बेस्ट देकर आइए। उसके बाद आप लोगों को मैं एक वीडियो डालूंगा फ्रेंड्स 1 अप्रैल को, कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं वो जरूर बताइए, फिर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाएगी उससे। और फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए दो पेपर हैं, एक तो है जीएस का और दूसरा है सी सेट का, दोनों में 100-100 क्वेश्चन है, तो 60 से कम तो प्लीज मत ही अटेम्प्ट कीजिए। 60 तो आपके सही होने ही चाहिए, इतना तो आप लोग ध्यान रखिए। इससे कम तो बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिए। कोई सोचे कि यार मैंने 55 अटेम्प्ट कर दिए, तो उसको 60 करने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो यार 70 से 80 के बीच अटेम्प्ट कीजिए, ताकि कुछ अगर नेगेटिव भी हो जाए तो प्रॉब्लम ना हो। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और नेगेटिव रहेगी इसके अंदर, तो नेगेटिव से बचिए फ्रेंड्स, और अपना बेस्ट देकर आइए। कोई भी डाउट या क्वेरी हो फ्रेंड्स अभी भी किसी की, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेस्ट विशेज फ्रॉम स्टडी मास्टर। और अगर आपका फिर प्री क्लियर हो जाता है, तो फिर मेंस की आपको तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पर अच्छे से। और कोई डाउट क्वेरी तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका पेपर अच्छा हो, थैंक यू।